Alilia Sufi Ulema Council गुज़िश्ता दो साल से ये तहरीक चला रही है कि हिंदुस्तान में जो कुर्बानी के मौके पर गौ रक्षा के नाम पर जो बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया जा रहा है, तो उसके तदारु के लिए हुकूमत को मुतवज्जे करना और मुसलमानों में ये शोर बेदार करना कि जो जानवर हमारे बरादरान वतन उसको अकीदे की निगाह से देखते हैं, उसकी कुर्बानी तो हम पहले से गाय की कुर्बानी बंद कर दिए थे, अब दो साल से बैलों की भी कुर्बानी को हम रोक दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर पुलिस ने गुज़िश्ता साल ये बयान जारी किया था कि 60% बड़े जानवर की कुर्बानी रोक दी गई है। हम रियासती और मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जैसा मुख्तलिफ़ ईदों के मौके पर, अहम कामों के मौके पर हुकूमत जो है ना ईद मनाने के लिए ताउन करती है, मदद करती है, तो ये ईद उल अज़हा के मौके पर भी हुकूमत जानवरों को शहर के करीब में फराहम करे और अपनी निगरानी में उसको बेचने का इंतज़ाम किए, तो ये शरपसंदी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। कि मवेशी भैंस फराहम किए हैं, तो क्या आप 1-2 करोड़ रुपये अपने हुकूमत के लगाकर मुसलमानों की इस अहम ईद के लिए आप बड़े जानवर सरबराही नहीं कर सकते? इस पूरी निगरानी में आपकी क्या कास्ट लगेगी, आपकी हुकूमत के क्या पैसे लगेंगे, आप बोलिए। मुसलमानों के इतने बड़े मसले को लेकर जहाँ पे जिंदगियाँ तल्फ हो जा रही है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 85 मासूम जिंदगियों को ख़त्म किया गया है। 85 जिंदगियाँ नहीं होती, उसके पीछे हर जिंदगी के पीछे 10 आदमी होते हैं, तो 850 आदमियों की जिंदगी को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसके बावजूद आप 1-2 करोड़ रुपये लगा कर अपनी निगरानी में हुकूमत की इजाज़त याफ्ता जानवर लाने में आपको क्या हर्ज है?